ला दे। हाँ फूल नहीं लिया, फूल लिया है ना, हम चल जाएगा इसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया और बढ़िया कर रहे हैं। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है। वैसे गाइस सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। एंड ये इस सावन का आज लास्ट सोमवार है, 8 अगस्त है। एंड आज तो सावन खत्म हो रहा है क्या? अनमोल सोमवार ही खत्म हो रहा है, सावन अभी चल रहा है, ये लास्ट सोमवार ही है। और जो का प्लान था पूजा करने जाने का, तो हम लोग गए थे पूजा करते हैं। गाइस भीड़ इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, मतलब मोबाइल हाथ में तो लिए थे पर कुछ बोल नहीं पाए थे, हल्ला चिल्ला बहुत हो रहा था। वहाँ पे ब्लॉग शूट करना वो सही भी नहीं रहता क्योंकि फ़ोन गिर जाता हाथ से। तो वहाँ का ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बाकी जस्ट मैं आऊँ उधर से भगवान शंकर को जल चढ़ा के, एंड आज का शुरुआत हुआ है गाइस, काफ़ी अच्छे से आज का शुरुआत हुआ है, मोटिवेटेड होते हैं। और ये मेरे साथ अनमोल भी गया था। अनमोल चाय ऑर्डर कर दिया, तो अनमोल अभी चाय ऑर्डर किया। हम लोग जस्ट अभी आए उधर से जल चढ़ा के भगवान को, और अभी चाय पियेंगे और देखते आगे क्या होता है, आज का दिन कैसा जाता है। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखो, मेरे फाइट भी आने वाले हैं। अभी सितंबर को शायद मेरा फाइट है, एंड हैदराबाद में होने वाला है वो फाइट, तो उसकी भी तैयारी करनी है। थोड़े बहुत जिम में ट्रेनिंग अभी चल रही है। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि बॉक्सिंग अकेडमी जाके फिर से ज्वाइन करूँ, ताकि वहाँ से कुछ ट्रेनिंग हो जाए स्ट्राइकिंग का, और स्पाइडिंग भी हो जाए थोड़े बहुत, एंड रेसलिंग वेसलिंग तो वो तो भगवान के खुद से चल रहा है। सो हमारी चाय आ गई है अभी, एंड बगल में सॉन्ग भी प्ले हो रहा है, हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। सो गाइस इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना चाय और बिस्किट का, ये अलग लेवल का होता है। अबे इधर तो घूम, इधर उधर क्या कर रहा है? और इतना छोटा चाय में हो जाएगा? गाइस अभी जस्ट हम लोग का चाय खत्म हुआ है, एंड अनमोल को पिकअप किया था, तो अभी जा रहे हैं इसे घर पे, इसको ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ से घर निकलेंगे। और घर जाके सो सकते हैं तो फिर से सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रहा है गाइस। मतलब सुबह उठने का आज नहीं था, और आज पहली बार इतना सुबह उठ गया। और गाइस पता है मुझे पता भी नहीं था कि सुबह सुबह 6 बजे के आसपास धूप निकल जाता है। और गाइस देखो अभी 6 बज रहे हैं और इतना तगड़ा वाला धूप निकल गया है। जैसा अभी इससे पूछा कि भाई 6 बजे धूप निकल, तो बोला 5 बजे ही निकल जाता है। जा रहे तो क्या? अभी सर्विसिंग करवाने कब चल रहा है? चलो जब चलेगा। गाइज अभी क्या है ना, अभी आज और कल नहीं, मतलब आज सोमवार है ना। हाँ सोमवार, अबे अभी तो आया पूजा करके पूछ रहा है सोमवार है। देखो गाइज तो अभी क्या है ना, बाइक का ये जो सर्विसिंग का डेट है ये भी ब्लिंक हो रहा है, और बाइक मुझे सर्विसिंग भी करवाने होंगे, तो देखता हूँ जब टाइम निकलेगा फिर सर्विसिंग करवाऊँगा। और चलो ठीक है फिर, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पर और सीधे घर चलते हैं, घर पर मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है, मतलब अभी 6 बज गया, और मैं जस्ट सुबह आया था, वो जल चढ़ा के मैं आया था, उसके बाद जस्ट मैं सो गया था क्योंकि मुझे नींद इतना ज़्यादा आ रहा था। एंड गाइज लिटरली बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था क्योंकि मैं रात में सोया नहीं था, और अचानक से सुबह उठ के वहाँ चला गया था। सो आके मैं सो गया था, उस दिन भर कुछ कर नहीं पाया। एंड सोते सोते 12-1 बज गया था, उसके बाद जस्ट थोड़ा बहुत काम किया मैंने। एंड अभी 6 बज गए और मेरे कुछ क्लासेस ऑफ थे, मतलब मैं जो ट्रेनिंग करवाता हूँ ना लोगों को, तो उसमें क्या था कुछ क्लासेस ऑफ थे क्योंकि आज उनका वो फास्टिंग था। सो मेरा तो क्या रहता है, मेरा तो मैंने कभी फास्टिंग किया नहीं है क्योंकि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होता है। एंड गाइस अभी देखो, ये देखो अभी 6 बज रहे हैं, एंड मुझे जिम जाना है। सो जिम में चल के आज मेरा वैसे वर्कआउट रूटीन है, मेरा लेग शोल्डर है, एंड थोड़ा बहुत वार्म अप है जो बॉक्सिंग और MMA का होता है। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत पंचेस करूँगा, किक बॉक्सिंग करूँगा, एंड थोड़ा बहुत स्ट्राइकिंग और स्पाइडिंग सैटो ये सब निकालूंगा। एंड
बस इतना ही आज का मेरा शेड्यूल है, तो चलते हैं सीधे जिम पे मिलते हैं। एंड थोड़े बहुत ट्रेनिंग का कुछ टिप्स होता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि कैसे आप कार्डियो को इन्हेंस कर सकते हैं और अपना स्ट्रेंथ अपना आपका जो स्ट्रेंथ होता है, आपका जो एंड्योरेंस होता है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि MMA एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको जल्दी गेट इन शेप में ला सकता है। मतलब आपका जो शेप होता है ना वो बहुत जल्दी ला सकता है। जैसे मुझे देखो, जितना होता है फास्ट ट्रेनिंग होता है, हाई इंटेंस ट्रेनिंग होता है, फिर भी मैं थोड़े बहुत मसल्स गेन कर रहा हूँ अभी। और अभी फ़िलहाल मेरा वेट है 61 kg, 61 point something है। सो चलो जिम में चलते हैं, डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। सो गाइज, अभी मेरा वर्कआउट का जो पहला साइकिल है वो ख़त्म हो गया। आज मेरा लेग शोल्डर था, 45 मिनट का होता है, तो 45 मिनट में मसल बिल्डिंग पे देता हूँ। देन उसके बाद मेरा जो मेन ट्रेनिंग होता है MMA की, उस पर देता हूँ। सो अभी मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग, मतलब पहला जो साइकिल था, वो ख़त्म हो गया। एंड गाइज, शोल्डर में ख़तरनाक पंप आ रखा है, ये देखो आप लोग। बाकी लेग्स था वो सब एक मिनट में आपको शो करके दिखाता हूँ। ये देखो खतरनाक पंप आया शोल्डर में, एंड सारे सेप दिख रहे हैं अच्छे से। और गाइज, मैं लाइट वेट ही मारता हूँ क्योंकि मुझे उतने ज़्यादा मसल्स नहीं चाहिए और मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो मैं क्या होता है, पंचे स्पीड नहीं मार पाऊँगा और फाइट तो सारी होती है स्पीड पे होती है। यहाँ मसल्स चढ़ जाएंगे, वो अच्छा नहीं रहता फाइटर्स के लिए। तो मैं लाइट वेट मारता हूँ और जितना हो सके उतना फास्ट मारता हूँ, हाई इंटेंस में मारता हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा मसल्स नहीं चाहिए, बस जो भी है वो शेप में चाहिए। सो फाइनली ये देखो, ये आ रखा है अभी। एंड इसके जस्ट बाद दूसरा साइकिल मेरा स्टार्ट होगा, जो कि MMA ट्रेनिंग होती है, जिसमें वार्म अप होता है, उसके बाद मेन ट्रेनिंग, उसके बाद कूल डाउन होता है। सो अभी वो करेंगे, चलो वो इंजॉय करते हैं फिर। बाकी देखो आप लोग गाइस, अगर वैसे आप लोगों को कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए, जैसे एप्स पे हो गया, चेस्ट पे हो गया, शोल्डर पे हो गया, या फिर बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे हो गया, जो भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, आप एक बार कमेंट बता देना, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगा। बाय द वे, हर रोज़ वीडियो आती रहेंगे, रेगुलर शॉर्ट्स आते रहेंगे, और एक दो दिन गैप करके जो लॉन्ग वीडियो होते हैं वो आते रहेंगे। सो चलो अभी ट्रेनिंग करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। एंड मैं टाइम बता देता हूँ आपको, टाइम अभी हो रहा है 7:30 हो गया अभी। एंड अपने पास अभी 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे आराम से MMA की ट्रेनिंग करेंगे। गाइस 2.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है ये सब चीज़, जो कि मैं आपको 10 मिनट में दिखा देता हूँ। उतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा तो कोई देखेगा नहीं, स्किप करके चला जाएगा, बोलेगा कि यार मैं मूवी नहीं देखता, इतना ज़्यादा का वो ब्लॉग कैसे देखूँ। सो देखता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। गाइस सेटिंग देख रहे हो, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का आ रहा है कार्डियो करके। चलो अब MMA की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी टाइम देखो आप लोग, 8:30 हो रहे हैं और मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग रहा आज का, काफ़ी हाई इंटेंस रहा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रहा था, मैं थक गया अभी तो बहुत ज़्यादा। अभी 10 मिनट रेस्ट करने के बाद ये चेंजिंग रूम में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सांस इतना ज़्यादा फूल रहा था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सो अभी थोड़े बहुत हैं, पर थोड़ा बहुत अभी रिलैक्स है। देखो मैंने जो मसल्स ग्रो किया था वो सारे गैप हो गए, क्योंकि कार्डियो यही होता है, आप मसल्स बनाओ एंड देन हाई इंटेंस कार्डियो कर लो, वो गैप हो जाते हैं। इसलिए लोगों को बोला जाता है जो मसल्स गेनिंग पे हैं, जो गेन कर रहे हैं, उनको कार्डियो कम करना चाहिए। मुझे गेन नहीं करने होते, इसलिए मैं कार्डियो बहुत ज़्यादा करता हूँ स्ट्रेंथ के लिए। और फिलहाल देखो क्या होता है, अभी फाइट भी आने वाले हैं, तो उसका साइकिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक ट्रेनिंग, एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल यूज़ कर रहा हूँ अपकमिंग फाइट के लिए।
सो चलो पहले चेंज करके नीचे मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज अभी मैं चेंज करके बाहर आ गया हूँ। गाइज लिटरली आज बहुत मज़ा आया क्योंकि आज का दिन काफ़ी अच्छा था, सुबह सुबह से लेके अभी तक। हर दिन अच्छा रहता है लेकिन हर दिन क्या रहता है, बाकी दिन क्या होता है, काम आ जाते हैं, मतलब ट्रेनिंग रहता है वैसा कुछ करके काम आ जाता है। बाहर रात हो गया है, पूरा अंधेरा हो गया है। टाइम देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो 9 बजने वाले हैं अभी एंड टाइम बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, मतलब अभी सोने का टाइम होता है। मैं ट्रेनिंग करके अभी निकाल रहा हूँ, तो चलो अभी देखते हैं आगे क्या। अभी तो मुझे पोस्ट वर्कआउट डाइट भी लेने हैं, तो मैं देखता हूँ कहाँ पे वो मिलता है, वो लेता हूँ पहले। चलो बाय द वे अभी अपनी गाड़ी की फिर से आज सर्विसिंग नहीं हुई क्योंकि अब मैं सो गया था दिन में आके। मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था कि जाके सर्विसिंग कराऊंगा। ये देखो ये बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है गाइस, ये अब बोल रहा है कि अब बहुत हो गया, अब जल्दी से सर्विसिंग करवाओ वरना ख़राब हो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं फिर।